हे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे है, तो मेरी तरफ से आप सभी को फ्रेंडशिप डे की बहुत बहुत मुबारकबाद। लेकिन मेरा एक फ्रेंड है इरफान, वो इस समय बहुत तकलीफ में है क्योंकि उसका जो चैनल है आईटेक 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स के आसपास है, वो हैक हो गया है लास्ट नाइट। तो अभी वो काफ़ी परेशान है, काफ़ी उदास था। मेरी उससे बात हुई, काफ़ी कुछ उसने मतलब एक मेल आया था स्पॉन्सरशिप को लेके, उस गलती के चक्कर में उसका चैनल हैक हो गया। तो मैं आज आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, उसको भी सपोर्ट दिखाओ, इंस्टाग्राम पे भाई को फॉलो कर लो। प्लस हम यूट्यूब से बात कर रहे हैं, उसकी पार्टनर मैनेजर से बात चल रही है, कोशिश यही है कि दो दिन में या एक दिन के अंदर अंदर उसका चैनल वापस आ जाए और वापस से सारी चीज़ें सेटल्ड हो जाए। अभी के लिए सिचुएशन ऐसी है, मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, बहुत चैनल्स हैक हो रहे हैं। अभी कैरी इज लाइव चैनल भी हैक हो गया, तो जब इतना बड़ा यूट्यूबर का चैनल हैक हो सकता है, क्या ये लोगों ने सिक्योरिटी स्टेप्स नहीं लिए होंगे, क्या इन लोगों को नहीं पता बेसिक चीज़ें, बट फिर भी यहाँ पे चैनल्स हैक हो रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कुछ ऐसी चीजें जो आप लोगों को दिमाग में रखनी है जब भी आप एक मेल पढ़ते हो या फिर आपके पास कहीं से एक ईमेल आता है कि आपको उसको रिप्लाई देना या नहीं देना है। वेल, मुझे ऐसा लगता है मुझसे ज्यादा अच्छे से स्टेफर्ड आपको समझा पाएंगे। स्टेफर्ड मेरे चैनल के मैनेजर हैं और जितने भी ईमेल्स आते हैं बिजनेस से रिलेटेड वही पढ़ते हैं। बिजनेस से रिलेटेड ईमेल्स को मैं नहीं पढ़ता हूं, अगर आपके पर्सनल ईमेल्स होंगे वही मैं पढ़ता हूं बस। तो दोस्तों स्टेफर्ड को कॉल लगाते हैं और उनसे जानते हैं क्योंकि वो एक्सपर्ट है, इसी चीजों में डील करते हैं, उनको सारी चीजें पता है, वो देखते समझ जाते हैं कि ईमेल सही है या गलत है। तो उनसे एक बार बात कर लेते हैं, उनके सिक्योरिटी स्टेप्स जान लेते हैं कि एक यूट्यूबर को क्या देखना चाहिए जब कहीं से मेल आता है। तो हेलो, हेलो, हाँ भाई कैसे हो? ठीक हूँ ब्रो, एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, अभी आपको पता होगा आईटेक चैनल हैक हो गया है। हाँ, तो आपसे मेरे को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। एक्चुअली जो मेल्स आते हैं ना, जो नए यूट्यूबर्स हैं, इवन अब तो बड़े बड़े चैनल्स भी हैक हो रहे हैं, आपको पता ही है। तो मुझे आपसे ये पूछना था, जो भी मेल्स आते हैं हमें कैसे पता चले कि वो मेल्स रियल स्पॉन्सर ने भेजे हैं या फिर एक हैकर ने भेजा हुआ है? कुछ सिक्योरिटी मेजर्स अगर आप बताओगे तो बहुत हेल्प हो जाएगी सबकी। तो हाँ, तो एक्चुअली ऐसा देखा जाए तो बहुत तरीके हैं, पर जो तीन चार बेसिक तरीके हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। Okay. सबसे पहले अटैचमेंट को हाथ मत लगाना, अगर मेल अटैचमेंट भेजा है टाइप का फाइल हो। हाँ, पर भाई मेरा एक क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, जब कोई स्पॉन्सर भेजेगा आप मेल सिर्फ अप्रोच करने के लिए, तो अटैचमेंट की तो जरूरत नहीं है ना वहाँ पे? बहुत लोगों का वैसा ही हुआ है, जितना मैंने यूट्यूबर जिन्होंने मेरे से बात किया, एक अटैचमेंट था वो उन्होंने क्लिक किया और अगले दो मिनट में उनका पूरा आईडी चले गए। ओके, तो बहुत लोगों का वो इशू आया है, फर्स्ट अटैचमेंट ना हाथ लगाए। ठीक है, दूसरा वहां पे होता है कि देखो कौन से ईमेल से आया, अगर जीमेल के थ्रू आया है तो वो प्लीज अवॉइड करें। बहुत लोगों का वहां पर जीमेल के थ्रू आया है एंड उन्होंने जस्ट वो अटैचमेंट खोल दिया और उनका चैनल वहां पे चला गया। मतलब अगर एक स्पॉन्सर्ड मेल होगा तो ऑब्वियस ही बात है वो किसी पर्टिकुलर डोमेन से ही आएगा, डोमेन से ही आएगा। और अगर तो भी आपको कभी कभी लगता है कि कंपनी के नाम में कुछ गलत है या कुछ, तो जो भी आपको मेल करता रहेगा उनका वेबसाइट का होगा, उनके जाके अबाउट सेक्शन में आप चेक कर सकते हो कि ईमेल आईडी बराबर है कि नहीं, सिग्नेचर बराबर है कि नहीं, सारी चीजें। हाँ, फिर उसके बाद और एक उसमें इशू क्या हो रहा है कि वो कॉस्ट क्या दे रहा है वो देखो। पहले बहुत मेल्स में ये भी होता है कि वो सामने से कॉस्ट दे देते हैं। हाँ, वही चीज मेरे को थोड़ा ऑड लगा, क्योंकि कुछ लोग का आता है कि $1,000 देंगे, $1,500 देंगे, तो बहुत लोग का ऐसे मेल्स आ जाता है और वो जब लोग सुनते हैं $1,000 $1,500 तो लोग वो मेल का रिप्लाई करने वगैरह कोशिश करते हैं क्योंकि उनको वो पैसे का वहां पे ये लग जाता है। Exactly. वो मेल्स अवॉइड कीजिए। आपको मालूम है आपके चैनल का रेट क्या है, कौन से प्रमोशन का आपको कितना लेना चाहिए, वो हिसाब से एक बार जनरली सोचिए कि ये आपको इतना चार्ज क्यों देना चाहता है। एग्जैक्टली। उसके बाद नेक्स्ट वाला जो है, जो प्रमोशन मेल्स है, प्रमोशन मेल्स, जो प्रमोशनल मेल्स आपको आने वाले हैं उसके लिए आप ईमेल आईडी चेंज कर दो ना। वो आपके यूट्यूब वाले चैनल का ईमेल आईडी रखना वहां पे जरूरी नहीं है, आप वो दूसरे ईमेल आईडी पे ले लो। सही है, बिल्कुल सही है। मतलब जितने भी मेल्स आपका चैनल का ईमेल आईडी अलग होना चाहिए और सिर्फ बिजनेस मेल्स के लिए एक ईमेल आईडी अलग होना चाहिए। हाँ जी,
वो वहां पर और एक चीज है, अगर आपका चैनल ये स्थिति में भी हैक हो गया तो तुरंत दो चीजें करें, अपने YouTube मैनेजर के साथ कम्युनिकेट करें अगर आपके पास YouTube मैनेजर अलॉटेड है तो। दूसरा अपने एक ट्वीट कर दीजिए YouTube इंडिया को और YouTube क्रिएटर्स को, एंड तीसरा एक मेल भी उनका एक कस्टमर केयर भी है YouTube का, वहां पे आप डाल के देख सकते हो। थैंक्स भाई, थैंक्स, बाय। मैं करता हूँ बाद में फोन आपको। तो दोस्तों, स्टेफर्ड ने जो जो बातें आप लोगों को बताई उन चीज़ों को आप लोगों को ध्यान रखना है और चेक करना है जब भी आपको कोई मेल आ रहा है कि पर्टिकुलर कोई डोमेन से आ रहा है या फिर जीमेल से आ रहा है। अगर जीमेल से आ रहा है तो उसे इग्नोर कर दो। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ आईटेक भाई की, इरफान भाई की। तो इरफान भाई को भी एक मेल आया था और 8-10 दिन पहले आया था, मतलब चैनल हैक हुआ है कल, लेकिन उन्होंने जो एक्टिविटी करी थी अपनी साइड से वो 8-10 दिन पहले करी थी। अब स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पे आप लोगों को दे रहा हूँ, देख सकते हो। जब सामने से कोई स्पॉन्सर आपको पैसे ऑफर करता है ना, समझ जाओ नकली है, हैकर है, ऐसा हो ही नहीं सकता। सामने से कोई क्यों आपको डायरेक्ट रेट देगा, आपको तो खुद से वो अप्रोच करेगा ना, तो आपको देना चाहिए रेट। तो वो आपको सामने से जानबूझ के बढ़ा के पैसे बताते हैं ताकि आप लालच में फंस जाओ, मनी ट्रैप में फंस जाओ, बट ऐसा आप लोगों को करना नहीं है। तो यहां पे इरफान ने क्या किया था, अपने मोबाइल में उस लिंक को खोला था और लिंक जैसे ही खुली नहीं, मतलब वो पेज लोड नहीं हुआ और वहाँ पे जितनी भी सारी डिटेल्स थी जो कैशे मेमोरी थी उसके थ्रू या पता नहीं क्या, वहाँ पे उसका जो अकाउंट था सारी डिटेल्स हैकर्स के पास चली गई और कल ये सीन हो गया कि अब भाई जो है वो चैनल एक्सेस नहीं कर पा रहा है। उसका जो ईमेल एड्रेस था वो ठीक है लेकिन पासवर्ड गलत बता रहा, तो इस वजह से चैनल का एक्सेस नहीं रहा उसके पास। अब सिचुएशन ऐसी है, हम सब लगे हुए हैं, आप भी सपोर्ट दिखाइए। अब YouTube पार्टनर मैनेजर से बात चल रही है, वो भी अपनी साइड से काफ़ी हेल्प कर रहे हैं, तो विद इन वन डे और टू डेज़ के अंदर इरफान को उनका चैनल वापस मिल जाएगा, उस चीज़ की पूरी गारंटी है। तो टेंशन की कोई बात नहीं है, चैनल तो वापस आ ही जाएगा। और जितने भी लोगों के चैनल हैक होते हैं उनसे ही बोलना चाहूँगा यार, टेंशन मत लो, आप सभी का चैनल वापस आ जाएगा, आप सभी की मेहनत वेस्ट नहीं जाएगी, चैनल रिकवर हो जाते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हैक होते हैं तो रिकवर भी होते हैं। और इरफान, मैं तुमसे यही बोलूंगा ब्रो, टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है, चैनल वापस आ जाएगा, बिंदास रहो, सब कुछ सही है। दोस्तों, आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक कर देना, इरफान भाई को सपोर्ट दिखाओ। जैसे ही चैनल वापस आता है आप सभी को उनके चैनल पे भी कंटेंट मिलना शुरू हो जाएगा, और भाई के चैनल पे तो मिल ही रहा है, देखो वीडियो, मजे करो। मेरा नाम है प्रिंस, मैं मिलता हूँ सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए आप लोग अपना, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम और हैप्पी फ्रेंडशिप डे।